अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो वुमेंस डे के दिन पर मम्मी को जो है क्वींस हॉस्पिटल की तरफ से इनवाइट किया गया था अवार्ड देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरे से जितनी क्लिप्स मैंने जमा कर पाई मैंने उतनी की है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट पहुँची थी वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मम्मी को लोगों ने अवार्ड दिया हुआ है, बिकॉज़ कि मम्मी जो इतनी एज में है वो भी मतलब अभी तक जॉब कर रहे हैं। और एक मोटिवेशन है लोगों के लिए, जो मतलब मम्मी को देख के बहुत सारे लोगों ने है यूट्यूब चैनल वगैरह ओपन किया हुआ है। ये देखिए, मैंने बाहर से जो थोड़ा सा लिया था हॉस्पिटल का वीडियो, बस वही है। अच्छा खासा ये लोगों ने अरेंजमेंट किया था, बहुत अच्छा था। मैं जो इसकी वीडियो है वो मैं आगे आपको डाल दूँगी, मतलब क्लिप ये ख़त्म होगी तो फिर मैं ये हॉस्पिटल की भी क्लिप ऐड कर दूंगी, और जो मम्मी को अवार्ड मिला है उसकी भी मैं क्लिप ऐड कर दूंगी। नजमा मुकादम जी, इज इट पॉसिबल फॉर हर टू कम? ऊपर आ सकती कि हम? So, नजमा मुकादम जी के बारे में मुझे ये बताया गया कि उनके 146,000 सब्सक्राइबर्स हैं YouTube पे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। कौन से क्या बनाते हैं आप, क्या चैनल पे क्या बनाते हैं आप? पहले अवार्ड ले लीजिए। इतनी डिश बनाती हूँ और भी बनाती हूँ, बहुत कुछ इतना बनाई हूँ कि आज तक कोई नहीं बनाया। वाह, क्या बात है, वेरी गुड, अमेजिंग। ये अवार्ड लीजिए, आपके लिए है। क्विंस केयर क्लिनिक, शील पाटा, कल्याण डुम्बिली रोड, कौसा मुमरा, नवी मुंबई का सबसे बेहतरीन मैटरनिटी अस्पताल, जहां आपको लेवल 4 का NICU मिलता है और मॉड्यूलर इक्विपमेंट जैसे कि पांडा वार्मर, जो कि पूरे साउथ एशिया में सिर्फ क्विंस केयर क्लिनिक के पास है। यहां आपको डिलक्स रूम मिलेंगे जिसमें आपको लग्जरियस एक्सपीरियंस मिलेगा। क्विंस केयर क्लिनिक में डायलिसिस यूनिट 24/7, फार्मेसी और साथ ही साथ होम सर्विस अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। लोगों का इवेंट काफी प्रोफेशनल टाइप था, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को, बड़े लोगों को बुलाया था इन लोगों ने। इन लोगों के इसमें कोई सेलिब्रिटी वगैरह भी आए थे, मराठी सेलिब्रिटीज़ लोग आए थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आए थे, और प्लस डॉक्टर्स तो काफ़ी थे, क्योंकि डॉक्टर लोगों का इवेंट था तो डॉक्टर लोग तो काफ़ी थे। बट मेरे को जहाँ तक जो मैंने देखा, मैंने सारा तो कुछ कवर नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मैं लेट पहुँची, तो मैंने कुछ पूरा कवर नहीं कर पाई। जो थोड़ा बहुत मैं कवर कर पाई हूँ वो मैं इंशाल्लाह डाल दूँगी वीडियो की एंड में। एक कोई बंदा था, रैपर यूट्यूबर था, वो आया था, और वो क्या रैप कर रहा था तो अच्छा ही था, अच्छा था, लेकिन वो क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि रैपर लोग बहुत फास्ट बोलते हैं। जितना समझ आया उतना मैं डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना कि कैसा था। बाकी बहुत अच्छा था, इन लोगों का इवेंट वगैरह तो बहुत अच्छा था। और मेन चीज़ ये थी कि हम लोगों के एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मम्मी को रिकमेंड किया था, और जो हम लोग इससे पहले भी इवेंट में गए थे, एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने सामिया, उन्होंने जो है मम्मी को रेकमेंड किया था कि ये आंटी मतलब घर से काम करते हैं और कोकनी ये रेसिपीज़ बताते हैं। तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि मम्मी के जो सब्सक्राइबर है वो मम्मी को बहुत सपोर्ट करते हैं, तभी मम्मी को मतलब जो वो आगे देखना चाहते हैं, और जिससे ये होता है कि हाँ भाई हम ये चीज़ कर सकते तो मम्मी के लिए करते हैं। तो चलिए, अभी तो ये चल रहा है, वुमेंस डे है, तो ये रूता मैडम है यहाँ पर, उनकी वीडियो मैंने थोड़ी सी निकाली थी, और मैं बाकी जो मेरे पास में बाकी की क्लिप है वो भी मैं इंशाल्लाह इसमें मेंशन कर लूंगी, आप लोग देख लेना। ऑल अराउंड बहुत अच्छा ये इवेंट था। क्या था, खाली दो लाइन बोलना चाहूंगा, आई एम रियली सॉरी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, प्लीज थोड़ा गौर से सुनिए। के बचपन से कहते तू अकेली बाहर जाएगी नहीं, बड़ी होने पर तू पति से पहले खाएगी नहीं, लड़की है धूल और लड़का सर का ताज क्यों, अफसोस की बात है सब हमारा समाज क्यों, लड़की है रहमत ये रहमत खुदा की है, मेकअप की ना ये खूबसूरती खुदा की है, लोग नहीं बदले तुम पहले बदलो, दिखा दो इंसानों में इंसानियत बाकी है, होती विदा खुद के घर से क्यों लड़के ना, ये बातें सोचूं तो मन ना गवारा है, 17 में करवाते हैं लड़की की शादी और 30 साल होने पे भी लड़का कवारा है, क्यों करे ऊंच नीच क्यों करे भेदभाव, इज्जत ना कर सकते तो उसे ना बेच खाओ, क्या बीतती उस पे कोई नहीं जानता, अगर तुम हो एडम तो तुम ईव बनो सेब खाओ।
AK-47. झुकना पड़ता है। फास्ट थोड़ा और सुनो मेरे साथ। हाँ, मां से मैं पूछा रुक जाओ, बोली करते हैं खाली परेशान लोग, बच्चों को फटते हैं, रुकना भी चाहो, रुकने की पता होता है, तेरे घर में लगाया तो घर में तो बच्चों को।